स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है असेंबलिंग द टीम आउटसाइड कंसल्टेंट ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक सिनेरियो ऐसे भी आ सकता है कि जहां पे आपको वो स्किल्स चाहिए कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेकिन वो स्किल्स आपके पास है नहीं तो आपने ये कोशिश नहीं करनी कि क्लाइंट ने अगर हमें हायर किया है तो हम सारी की सारी सर्विसेज दे दें चाहे वो रिजल्ट खराब आए अगर आपको लगता है कि ये स्किल्स आपके पास नहीं है और आप यहाँ पे अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं तो यकीनन आप क्लाइंट को बताएं बताने के बाद जो रेलिवेंट एक्सपर्टीज आपको चाहिए वो आप हायर करें ताकि आपकी बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो खराब ना हो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एकदम से आपको ये मालूम हुआ कि सिस्टम्स में से कोई डाटा डिलीट कर दिया गया है कोई डाटा मैनुकलेट कर दिया गया है या डिजिटल एविडेंस आपको चाहिए ऑब्वियसली आप एविडेंस एविडेंस ले ले सकते सकते हैं हैं ओरल इंटरव्यूज ले सकते हैं कंपेरिजन कर सकते हैं अनालिस कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स लगा सकते हैं लेकिन आपको डिजिटल एविडेंस निकालना नहीं आता आपको डिलेटेड डाटा रिकवर करना नहीं आता उसके लिए रिलेमेंट एक्सपर्टीज किसकी चाहिए होंगी ऑब्वियसली आईटी एक्सपर्ट की चाहिए होंगी डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट की चाहिए होंगी जिसका एक्सपीरियंस होगा कि हाउ टू रिकवर दे डिलीटेड डाटा और एविडेंस कैसे निकालने हैं और उसको एक एक एडमिसिबल या इसको कोर्ट में किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं आपको पता है कि ये एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है तो आप क्या करें आप फिर एक आउटसाइड कंसल्टेंट हायर करें जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करे देखिएगा आपके पास सेकंड पैराग्राफ वन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट कंपनीज ऑफन डिसिप्लिन एंड सिक्योर देयर कंपनी ऑन कंप्यूटर्स अ कंप्यूटर कंसल्टेंट हु वर्क विद डिजिटल एविडेंस फॉर अ लिविंग इज यूज द बेस्ट पर्सन टू एग्जामिन दो कंप्यूटर्स एंड रिट्रीव एनी एविडेंस शी और ही विल नो हाउ टू सिक्योर द एविडेंस टू मेक इट एडमिसेबल इन कोर्ट एंड

आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी और फ्यूचर में आपको ऑब्वियसली आपका कैरियर भी खराब हो जाएगा सो रेलिवेंट एक्सपर्टीज नहीं है तो उसको हायर करें